सर मैं कॉल करके थक चुका हूँ, बट फिर भी कोई भी मेरी मीटिंग पे नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मैं सही से इनवाइट भी करता हूँ बट फिर भी लोग मेरे वेबिनार नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप लोग को लगता है कि मैं पर्सन को इन्वाइट तो कर रहा हूँ बट मैं सही से इन्वाइट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 से 8 पॉइंट। अगर आप इन पॉइंट को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो फॉर श्योर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पर्सन आपकी मीटिंग पर जरूर आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो उस वीडियो को फुल वॉच करना, अदरवाइज वीडियो को आप अभी छोड़ सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं आए हो तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके आओ, इस पॉइंट को नोट डाउन करो ताकि आपको समझ आ सके आपको इनवाइट कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप इनवाइट करने जाओगे सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पूछोगे कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली उसका क्या नाम है, क्या करता है, क्या चीजें करता है, कहाँ रहता है, बैकग्राउंड कैसा है, चीजें क्या आपको पूछना है। सिंपली मैं आपको डेमो देकर दिखाता हूँ। हेलो राज बात कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ कि बेसिकली क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपकी अभी एज क्या है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है राज। ऐसे अगर आप उससे इंट्रोडक्शन पूछ लेते हो थोड़ा सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल हो जाता है और थोड़ा सा अपने बारे में बताते हो। आपको सिंपली बोलना है ओके राज मैं बताऊंगा अपने बारे में, मेरा नाम ईशु है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। इससे क्या होगा, आप भी कंफर्टेबल हो गए और वो भी कंफर्टेबल हो गया बात करने के लिए। लेकिन पॉइंट आपको पूछना है व्हाई यू फिल द फॉर्म, जो उसने फॉर्म फिलअप किया है या फिर कुछ भी किया, अगर आपने लोगों को इनवाइट किया है तो आपको सिंपली पूछना है कि आपको ये ऑनलाइन वर्क क्यों करना है, आपने मेरा फॉर्म फिलअप क्यों किया था, उससे उसकी नीड जाननी है। अगर आप सामने वाले पर्सन की नीड को पकड़ लोगे, बेसिकली उसको फैमिली प्रॉब्लम है, उसको आईफोन लेना है, उसको उसके सपने बड़े, उसको घूमना, मतलब कुछ भी है, उससे पूछो कि आपने फॉर्म को फिलअप क्यों किया था। अगर आप ये थोड़ा बहुत जान लोगे, अगर वो कल को मीटिंग नहीं लगाएगा, चीजें नहीं करेगा, आप बोल सकते हो कि भाई आपको ये करना था, आपको यहाँ घूमना था, आपको ये बाई करना था, मतलब कुछ भी ऐसा आप उसके सामने एक उसके नीड को डिस्क्राइब कर सकते हो। थर्ड आपको बताना है अबाउट टू प्लेटफॉर्म, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप ये नहीं बताना कि मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं बोलना। याद रखना आपको ये नहीं बोलना कि मेरी एफिलिएट कंपनी ये है, तो ऐसा बोलोगे ना तो लोग पहले ही भग जाएंगे। आपको बोलना है मैं सिंपली कुछ स्किल्स पे काम करता हूँ, ओके मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ जो कि एक गवर्नमेंटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ बोल के आपको उसको पर्सन को मीटिंग पे लाना है। भले आप लोग एफिलिएट करते हो, भले आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, एक्स वाई जेड, ऐसे आपको इन्वाइट करना है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का पंचुअल नाम लेते हो वहां पर पर्सन थोड़ा सा अटक जाता है, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे एफिलिएट मार्केटिंग है, ऐसा अगर बोलोगे ना भाई तो ऐसा पर्सन मीटिंग पे आपके नहीं आने वाले। फोर्थ चीज है एनर्जी कॉल। आप जब भी सामने वाले पर्सन से बात कर रहे होगे ना, आपके बात में ना, आपके जब आप उससे बात कर रहे होगे, आपकी बात में दम होनी चाहिए, मतलब एक एनर्जी आनी चाहिए यार। अब ऐसा नहीं कि आप मरे मरे बात कर रहे हो सिंपली, हाँ भाई देख लिया आपने, चलो ठीक है यार बताऊंगा, ठीक है भाई, और बाकी मीटिंग में आ जाओगे आप। अगर ऐसे बात करोगे तो यार कोई भी पर्सन आपकी मीटिंग पर नहीं आने वाला है। बट अगर वहीं पर आप पर्सन से एनर्जी से बात करते हो, ठीक है ब्रदर मैंने आपकी मीटिंग को फिक्स कर दिया है, ओके, और जो भी आपके डाउट्स हैं आपको मीटिंग में क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको मीटिंग पर जरूर आना है, कोई भी मुझे बहाना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे वैसे करके आपको एक एनर्जी से सामने वाले पर्सन से बात करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सामने वाले पर्सन को मिलेगा भाई खुद इतना ढीला है भाई, मेरे को लखपति क्या बना है। फिर शॉर्ट टॉक, ये याद रखना कि आपको ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचनी सामने वाले पर्सन से, भले आप किसी भी फील्ड के लिए इन्वाइट कर रहे हो, एफिलिएट हो, आपका नेटवर्क है, कोई भी डिजिटल स्किल्स हो, अगर आप सामने वाले पर्सन से फर्स्ट टाइम पे बहुत लंबी बात करोगे ना तो कहीं ना कहीं पर्सन के माइंड में डाउट आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको पर्सन से लंबी बात नहीं करनी है, थोड़ा तो शॉर्ट बात ही करनी है, जितना जल्दी आपका बात खत्म हो सके। और हाँ, सामने वाले को कंफर्टेबल करके ही आपको कॉल को कट करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन को तो क्या पता मीटिंग वगैरह पे नहीं आएगा आपकी, अगर आप कंफर्टेबल कर दोगे एक बार तो फॉर श्योर आपकी मीटिंग पे वो आएगा। पॉइंट है रिलेशन बिल्डिंग एंड ट्रस्ट। अगर आप लोग ये बिल्ड नहीं कर पाओगे फर्स्ट कॉल पे, तो यार देखो सारी चीजें एक रिलेशन या फिर एक ट्रस्ट से ही होती है, सिंपल सी बात है। अगर वो पर्सन आपकी मीटिंग पे आएगा तो कहीं ना कहीं वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, भाई आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर है, अगर आप उनके साथ बिजनेस को कर रहे हो तो एक ट्रस्ट है, एक रिलेशन है, एक बॉन्ड है आपको उनके साथ। उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम मीटिंग लगवाई होगी आपके सीनियर ने, तो भाई एक बॉन्ड वहां पर आपने उनको बिलीव किया होगा, आपने उनको थोड़ा बहुत तो बिलीव किया होगा, आप लोग तभी उनके साथ में मीटिंग को लगाना स्टार्ट किया जाए। तो सेम चीज भाई आपको अपने पर्सन के साथ करनी है। अगर आप एक बॉन्ड नहीं बना पा रहे हो, रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता यार कि पर्सन आपकी मीटिंग पर आएगा। और हाँ ये याद रखना भाई, जैसा आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने आपके साथ किया है ना भाई, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। सेवेंथ और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको ना उसके बारे में कुछ चीजें और जाननी है, उसके रिलेशन अगर वो बता सके, मतलब उससे कुछ डीप बातें करो, भले दो मिनट दो बातों के लिए कुछ डीप बातें करो। अच्छा फैमिली में कौन कौन है, अच्छा अच्छा ये बात, पापा क्या करते हैं आपके,
और ड्रीम क्या है वैसे आप, अगर आप घूमना चाहते हो मतलब उससे ना आप थोड़ा बातें करो, आस्क अबाउट हिम एवरीथिंग, मतलब उसके बारे में आप सब कुछ पूछो जो आप पूछ सकते हो। एंड एट एंड लास्ट है आस्क अबाउट मीटिंग। भाई जब सारी बातें हो जाएंगी आप लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देगा, भाई मीटिंग में भी बुलाना है आपको, अब रिश्ता थोड़ी जोड़ना है आपको उससे, भाई उससे तो आपको भाई पैसे निकलाने हैं, आपको अपना कोर्स पिच करना है, भाई प्रोडक्ट पिच करना है, तो भाई तो करोगे ना आपको पता है, तो भाई उसको मीटिंग के लिए बोलो कि आओ भाई मीटिंग पे और अब वहीं बातें करते हैं, वहीं पर आप सीखोगे कैसे आप पैसे कमाओगे। भाई चीज़ें हैं उसको आप ऐसे इन्वाइट करना कि कोई फोर्स नहीं कर रहा हो, एक एडवाइस के रूप में आपको देना है, इस चीज़ को याद रखना। बाकी यही था आज के इस वीडियो पे, अगर आपने पेन डाउन नहीं किया होगा तो मुझे नहीं लगता भाई आपको समझ आने वाला है, बट अगर आप इसको पेन डाउन सही से कर लिया होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई आपको कोई भी नहीं रुकता इनवाइट करने से। चलो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।